गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो गाइस, अभी सुबह हो रहा है 10 बज रहा है एंड अभी आज ट्यूशन गया नहीं था। सो गाइस, मैं बताता हूँ आपको कि अभी मेरे को जाना है। परला तो चला गया स्कूल 9:30 बजे के लमसम एंड मैं उसे अभी लाने के लिए जाऊँगा स्कूल से, क्योंकि उसका एक पासपोर्ट फोटो खिंचवाना है, जो कि मम्मी बोली कि अभी जाना तुम टोटो वगैरह से यहाँ पर ई रिक्शा पकड़ के एंड यहाँ से जाना रोड पर से, और हाईवे पर से जाने के बाद वहाँ जाके जहाँ स्कूल है सफियाबाद में सरस्वती शिशु मंदिर, वहाँ से उसे लेना है, निकालना है कुछ देर के लिए, और कुछ पासवर्ड साइज का फोटो उसे खिंचवा के अच्छी तरीके से एंड उसे फिर से स्कूल ही भेज देना है। सो गाइस, तो चलते हैं, देखते हैं आज का कंटेंट क्या बनता है एंड आप सभी को दिखाते हैं पूरा। सो टोटो अभी रेडी है रोड पर। सो मैं अभी कॉल किया था टोटो वाले, तो वो आ गए हैं। सो गाइस, तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको क्या होता है। ब्लॉग में एंड तक बने रहो, तब तक। सो गाइज, अभी फिर से मेरे को आना पड़ा ऊपर, क्योंकि अभी मैंने मास्क देख सकते हो भूल गया था ऊपर में ही एंड अभी लेके चलता हूँ नीचे एंड दिखाता हूँ आपको पूरा। टोटो पहाड़ में आ चुका है एंड तो चलिए। टाइम पास स्मॉल गाड़ी। सो फाइनली गाइस, देख सकते हो यहाँ पे प्रहलाद आ गया है। सो गाइस, भैया बोले कि आ जाओ लाल खान के तरफ, तो मैं लाल खान के तरफ आते आते भैया बोले कि एक ठो बस टूटा हुआ है वहीं पे रुकना है, और मैं आते आते सीधा चल गया लाल खान के, जो देख सकते हैं उधर चल गया मैं सीधा। और उसके बाद मैं फिर भैया पास फिर घूर के आया। मैं सोचा कि इतना दूर कहाँ चले, अभी तक नहीं है। फिर वापस घूरा तो देखा यहाँ पे है टूटा हुआ बस, वहाँ पे था, देख सकते हैं वहाँ पे है टूटा हुआ बस। बस देखे वहीं थोड़ा देर रुके तो भैया निकले अंदर से वहाँ पे सीढ़ियों से, तो फिर हम आ चुके हैं भैया के पास। ब्लू पर्दा के पीछे मतलब आगे। सो गाइस, प्रहलाद का बड़ा फोटो शूट। DSLR से ना। फाइनली गाइस, आ गया हूँ घर एंड देख सकते हो प्रहलाद का फोटो कैसा DSLR से शूट किया गया एंड छोटा साइज पासपोर्ट साइज निकला है एंड इसका 8 फोटो का 40 रुपया लिया है। अच्छी तरीका से सुबह मैंने इसे धोया था एंड यहाँ पर देख सकते हो पूरा अच्छी तरीका से, इसे पहले मैंने धोया था सुबह में, उसके बाद यहाँ देख सकते हो जैसा कि ये पूरा अच्छी तरीका से सूख भी चुका है, धूप आज करीब वाली थी इसी कारण से। सो तो इसे सूखने देता हूँ एंड शाम में इसे मैं उठाऊंगा। सो चलते हैं अभी नीचे एंड देखता हूँ क्या होता है। प्रहलाद तो अभी आ चुका है, पहले मैं इस गेट को बंद कर देता हूँ। सो हे गाइस, तो देख सकते हो मेरी अप्सरा, इसका नाम आपको नहीं बताया था, इसका नाम था अप्सरा, और खाने के बाद ये अपना हलचल बंद नहीं करती। ये देखिए ये मेरे को अभी लग जाता है इसका खाना। अब यहाँ गेहूं को पूरा अच्छी तरीके से साइड करेगा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था दिन में कि इसे सुखाने के लिए दिया एंड अभी फिलहाल 1-2 दिन हुआ है। सो अभी ही राशन मेरे को मिला एंड आपको बताया था कि राशन जो कार्ड होता है उससे बहुत सस्ता गेहूं मिलता है एंड सुबह में मैं इसे धो के अच्छी तरीके से कुआं पे, सो वहां से नहा हुआ के अच्छी तरीके से चल गया था ट्यूशन एंड आएंगे इसको प्रहलाद और हम दोनों मिल के इसका हाथ बटा देते, नहीं तो बेचारा अकेले डेली करते करते शक होने लगेगा कि अमन भैया कुछ नहीं करता एंड यही इसी को खुद करना पड़ता था। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो।
गया प्रहलाद पूरी तरीके से? देखेंगे सुखा। हाँ तुम तो खूब देखेगा, हमको पता ना आज तक कि गेहूँ सूखता है कैसे, खट खट कुछ भी ऐसे करते देखेंगे गेहूँ सूखा हुआ है, नहीं देखा देखिए यह बता सूखा हुआ है, सूख गया पूरा। चेक करने का जो नियम है, कितना आदमी पास बैठा है, कितना साल का है, कितना साल हुआ तुम्हारा अभी? 1995 के हैं। 1995 के है तुम? लंबा लंबा छोड़ने में। अभी यहाँ गेहूँ चेक किया, हमको पता, हमको अच्छा से पता भी नहीं था कि गेहूँ को कैसे चेक किया जाता है मुँह में लेके एंड खा के, खट खट आवाज़ किया होगा तो सोच समझ लो कि गेहूँ सूख गया है, एंड वो डायरेक्ट सीधा, मेरे को पता भी नहीं कि कैसे चेक करना है, वो सीधा चेक कर लिया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अरे कहना क्या चाहते हो? ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। कुछ भी जो भी बोलेगा सब आप ही के लिए बोलेगा। चलो बोलो देखते क्या बोलता है। तो हेलो गाइस, बस इतना काम था। हंसी का ठिकाना नहीं, शाहरुख खान का डायलॉग था ना। फाइनली गाइज आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, एंड आप सभी को होप करता हूँ कि ब्लॉग आज का अच्छा लगा हो देखने में, एंड अच्छा लगा तो लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं गाइज फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। तो गाइज देखिए यहाँ पे मैं इतना सब गाछ सब हम लगाए खरीद के, सब गाछ 50 रुपया का है। अभी 1000 का बैर हो गया है, बैर का गाछ यहाँ पे, एंड नींबू का पेड़ यहाँ पे, नींबू आ गया देख सकते हो, एंड यहाँ पे प्रहलाद, और प्रहलाद दो चीज़ हुआ और